जो आपका अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने आपका बाली समिट देख लिया 2013 वाला, नैरोबी देख लिया 2015 वाला, और अब लास्ट जो है 17 वाला जूनो से, ये MC-11 है, ठीक है। तो इसके बाद नहीं हुआ है अभी, ठीक है। 2019 में बोला गया था कि कजाकिस्तान में करेंगे, वो हम देख चुके हैं, लेकिन अब 2019 का फिर कि 2019 में बोला गया कि 2020 में कजाकिस्तान में करेंगे, कोविड आ गया, अब 2021 में होगा, नवंबर 2021 में वहां पे जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये लास्ट सबमिट है और ये भी फेल्ड है सबमिट, दिस इज अ फेल्ड सबमिट। जैसे अगर आप क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में देखो ना, क्लाइमेट चेंज को लेके, तो सारी अक्सर फेल्ड सबमिट है, कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। एक पेरिस सबमिट सक्सेसफुल रही, तो हर सबमिट में रिजल्ट क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि आप कोई भी रिफॉर्म लाना चाहते हो तो लोग अपोज कर देंगे। तो जो WTO की सबमिट है, जो सबसे सक्सेसफुल सबमिट अभी तक रही है, वो है बाली सबमिट। एटलीस्ट कुछ बात हुई, पीस क्लॉज निकल के आया, ठीक है। उसके बाद नैरोबी सबमिट में भी कुछ पॉइंट आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबमिट है बाली सबमिट। और बाली समिट में वही सारे चीजें निकल के आई हैं पिक्चर में, जिनकी बात दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में की गई थी। यानी कि बाली समिट आपका जो है, उसने कौन से पॉइंट्स को इंप्लीमेंट किया है, कौन से पॉइंट्स पर, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, जो दोहा 2001 में हुआ, उसका जो डेवलपमेंट एजेंडा था कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज का फूड स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम से डेवलप्ड को उनकी हेल्प करनी, वो सब चीजें। तो ये डेवलपिंग जो आपका दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, उसी की, ठीक है, उसी के लिए, उसी के पॉइंट्स को लेके बाली सबमिट एक सक्सेसफुल सबमिट कह सकते हैं। तो आप जब दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि उसमें वही पॉइंट्स थे जो बाली सबमिट में डिस्कस किए गए। ऐसे ही तो होता है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट निकल के बाली समिट में आया, ठीक है। तो 2001 का रिजल्ट 2013 में निकल रहा है, देख लो, ऐसा ही होता है। क्योंकि इंटरनेशनल एरेना में लोग, हर आदमी अपना फायदा देखता अपनी कंट्री का। यहाँ पे भाई भाई लड़ रहा है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको लगता है कि बड़ी बड़ी कंट्री जो है वो नहीं लड़ेंगी, वो भी लड़ती है, कहीं के रिसोर्सेज हो भले से आपके। यूएस क्यों इतना इसराइल को वो सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएस का मेन एम ही है कि मिडिल ईस्ट जो है वहां पे रिसोर्सेज कंट्रोल करना चाहता है। वेनेजुएला में देख लो आप, हर जगह पे ये क्यों मिलिट्री को करवाना चाहता है, क्योंकि ये वहां के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। जितने ज्यादा इसके पास रिसोर्सेज होंगे, उतना ये पावरफुल होगा। यूएस हमेशा से ऐसा ही करता है, यूएस को जहां पे लगता है कि यहाँ के मैं रिसोर्सेज कंट्रोल कर सकता हूँ, वहां पे वो मिलिट्री को करवा देता है। और इसमें भले से उसको आपके अलकायदा जैसी बॉडी बनानी पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलकायदा बने, कुछ भी बने, बाद में उसने अपने क्या करने, आर्म्स बेचने, तो वो अलकायदा से जो लड़ रहा है उसको भी बेचेगा, अलकायदा को भी बेचेगा, यही तो फायदा है उसका। रशिया और यूएस का यही तो खेल है, इजराइल रशिया। यूएस, हम अगर आर्म्स बेचने जाएंगे तो कोई ना कोई ट्रेड का बहाना करके हमें रोक देगा, अगर हम रशिया से भी कुछ लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहता है इंटरनेशनल, सब अपना फायदा देखते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब मौके वाली बात है। आज को इंडिया अगर चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन बना ले, बोले ठीक है यार हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यूएस को हराने में,
तो कल कोई पाकिस्तान को साइडलाइन कर देगा चाइना। ठीक है यार, जब इंडिया का साथ मिल रहा है, इंडिया कल ही वन बेल्ट वन वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर ले BRI, तो चाइना से दोस्ती कर ले अच्छे से, तो चाइना बोलेगा ठीक है यार पाकिस्तान को साइड में हटाओ, छोटा सा देश है क्या ही हमारा फायदा करेगा, इंडिया आ गया। तो ऐसे चलता है वर्ल्ड में, मतलब कि कोई दुश्मन नहीं है कोई दोस्त नहीं है, ऐसे पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है, बीजेपी PDP के साथ भी पार्टी वो बना सकती है सरकार, ठीक है, जो जिसको गाली देती थी, तो कुछ भी होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जियो पॉलिटिक्स में भी पावर के लिए कुछ भी होता है। और जियो पॉलिटिक्स में दो जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक रिसोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके रिसोर्सेस जिसमें आपका ऑयल एंड एनर्जी, और दूसरा आर्म्स, जिसका आर्म्स का बिजनेस है वो तो चाहेगा ही कि इनस्टेबिलिटी रहे, आपस में लड़ते रहे। अगर मेरा धंधा ही आर्म्स का है, जैसे मान लो मेरी लिकर शॉप है, तो मैं क्यों चाहूंगा कि लोग दारू पीना छोड़ दें, मेरा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी भाई, मैं कैसे खाऊंगा कैसे कमाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं आर्म्स बेचने का धंधा करता हूँ, तो फिर मैं क्यों चाहूंगा कि शांति रहे, नहीं चाहूंगा शांति। आपको क्या लगता है US अलकायदा खत्म नहीं कर सकता, ऐसा ही होता जो भी है, US बहुत पावरफुल है। ठीक है, जब अपने दुश्मनों को उन्हीं के घर से निकाल के मार सकता है तो बाकी नहीं कर सकता, कुछ केस में फेल हुआ है, लेकिन इतना तो है वो कि अगर वो चाहे तो टेररिज्म को काफी हद तक रोक सकता है, लेकिन उससे उसको नुकसान है ना भाई। तो ब्यूनो से एयर समिट लास्ट समिट, वैसे तो फेल्ड समिट है, ठीक है, फिर भी देख लेते क्या क्या आया इसमें, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको मेन्स में, मेन्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स में आ जाए तो आ जाए कि कब हुई थी। और दूसरा आपका बाली समिट से मेंस में क्वेश्चन आता है, और आपका नैरो भी जा सकता है। ठीक है, ये दो ही समिट आपको याद रखने हैं बस। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा तो अभी पढ़ लेना, अभी स्लाइड पे जाता हूँ, वो तो सेम इसमें और इसमें तो काफी सिमिलरिटी है। ठीक है, वो क्वेश्चन यही पूछता है कि जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था उस पर क्या अचीव किया है WTO, तो उसमें सक्सेसफुल सबसे क्या रही, बाली समिट। तो ब्यूनोस एयर्स में हुई है अर्जेंटीना, कब हुई, दिसंबर 2017, नवंबर या दिसंबर में होती है। नॉट इल्डेड डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फेलियर ऑफ WTO टू डिसाइड ऑन द मेजर इश्यू सच एज पीस क्लॉज SSR स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ना तो पीस क्लॉज का कोई रिजल्ट निकला, उसपे कोई डिसीजन नहीं आया पीस क्लॉज पे, और ना ही स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म पे यहाँ पे कोई रिजल्ट आया, इसलिए इसको हम फेल्ड सबमिट कह सकते हैं। ठीक है, आउटकम्स क्या क्या थे इस सबमिट के वो देख लो एक बार। देखो क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो ई कॉमर्स पे डिस्कस करना चाह रहे थे, कि ई कॉमर्स पे भी कुछ रूल्स होने चाहिए। ठीक है, पहले ई कॉमर्स था नहीं, नहीं था ना पहले, ई कॉमर्स तो अभी आया है कुछ पिछले 4-5 सालों में ज्यादा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने बोला कि भाई ई कॉमर्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उन इश्यूज को डिस्कस कर लो जो ऑलरेडी पेंडिंग है। ठीक है, तो जो ई कॉमर्स पे कुछ डिस्कशन होने वाला था वो भी नहीं हो पाया, तो नो डिसीजन ऑन ई कॉमर्स As demanded by the developed countries, developing and least developed countries protested, saying that e-commerce is not a part of Doha Development Agenda. First of all, the WTO should address the issues mentioned in Doha Development Agenda, and then only decision on e-commerce will be taken. समझ गए बात को आप? तो e-commerce पे decision क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि डेवलपिंग जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, उसको अपोज कर दिया। ठीक है, तो पहला रिजल्ट तो ये देखता है। दूसरा क्या आया, नो डिसीजन ऑन SSM बेंचमार्क्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म आप लेके तो आए, लेकिन आपने बेंचमार्क्स डिसाइड नहीं किए थे कि ये जो बैरियर यहाँ पे पुट करना है ये कब करना है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ये आप कह सकते हो कि फेल्ड समिट।
हमने एसएसएम तो पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था ना कि बेंचमार्क डिसाइड नहीं किए गए कि कब टैरिफ लगाना है, कितना टैरिफ लगाना है, ठीक है, तो वो डिसाइड नहीं, यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हुआ। फिर फेल्ड टू रीच ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर फूड सब्सिडी प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो पीस क्लॉज इनेक्ट किया हुआ है वो कब तक किया हुआ है, जब तक परमानेंट सॉल्यूशन ना निकले, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला, देयरफॉर पीस क्लॉज विल रिमेन इन फोर्स टिल ए परमानेंट सॉल्यूशन इज रीच्ड। इट मींस दैट इंडिया कैन प्रोवाइड फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सीड सब्सिडी, एमएसपी एक्सेट्रा, एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन डब्ल्यूटीओ'स डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बाय एनी ऑफ द मेंबर। अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, तो जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक वो देता रहेगा, तब तक आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम निकली बस इसकी, मैंने आपको पहले बोला था ना कि फिशिंग सब्सिडीज को लेके इंडिया चाइना ने अपोज किया था, लेकिन इसकी पॉजिटिव आउटकम क्या निकली, कि मेंबर कंट्रीज एग्री हो गए सारे कि फिशिंग सब्सिडीज को कब तक खत्म कर देंगे हम, 2019, क्योंकि इंडिया को भी समझ आ गया कि देखो पावरफुल आपको बनना है तो हर बात पे आप ये नहीं कह सकते मैं गरीब हूं मैं ये, और चाइना को तो ठीक है उसको दिक्कत नहीं थी, तो इस पे एक एग्रीमेंट आ गया, क्योंकि अगर आप बात मानोगे तो फिर डेवलप्ड भी आपकी हर बात मानेंगे, आप उनकी कुछ बात तो मानो, तो इस पे एक कंसेंसस बना कि फिशिंग सब्सिडीज को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव आउटकम निकली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आईएमएफ। आईएमएफ से पहले कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको आज स्लाइड्स भेज दूंगा, आप घर पे सॉल्व करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये आपकी इनविजिबल हैंड इकोनॉमिक सर्वे में यूज हुई है टर्म, आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स में यूज हुई है, आपकी हिस्ट्री की बुक्स में यूज हुई है, ठीक है, तो ये होता है फ्री मार्केट सिस्टम, इनविजिबल है। आगे और क्वेश्चन है, देयर आर सम क्वेश्चंस, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, कौन सा पब्लिक गुड नहीं है इनमें से, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। AGR, ये न्यूज में था, AGR करंट में था, ठीक है, किससे रिलेटेड है, न्यूज में था करंट में, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका IMF से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका पिलर्स ऑफ इंडेक्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये भी न्यूज में था बीच में, ये आपका इकोनॉमिक सेंसस से रिलेटेड है, ये भी न्यूज में था, ये आपका ग्रीन बॉक्स ऑफ WTO पढ़ चुके उससे रिलेटेड है, ठीक है, इनके सॉल्यूशन है, पहले क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिएगा, देन योर सॉल्यूशन, ठीक है, 8 क्वेश्चन आर देयर, योर सॉल्यूशन आज भेज दूंगा स्लाइड, घर पे सॉल्व करिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पढ़ो और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप पढ़ते रहोगे, आप खुद का असेसमेंट नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं IMF, आपको दो ही जगह से मेंस में क्वेश्चन आएगा, या तो वर्ल्ड बैंक, या तो आपका WTO से आएगा, या आपको IMF से आएगा। वर्ल्ड बैंक से प्री में आ सकता है, मेंस में आने के चांसेस बहुत कम, और इनमें भी अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो WTO इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एवरी ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड टू WTO, न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, यू विल डेफिनेटली गेट वन और टू आर्टिकल्स इन ऑल्टरनेट डेज रिलेटेड टू WTO, ठीक है, क्योंकि ट्रेड को लेकर चलता रहता है। तो IMF हम पहले देख चुके, इट गिव शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म लोन देता है किसके लिए, टू मेंबर कंट्रीज फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इट ऑल्सो लुक आफ्टर द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, वो भी हमने देखा था, एक्सचेंज रेट भी देख चुके हैं, ठीक है। करंट चेयरमैन कौन है IMF की, क्रिस्टेलिना जॉर्जीविया, ठीक है, ये याद रखना है नाम पर लिख के लिए, क्रिस्टेलिना जॉर्जीविया, ठीक है। IMF के प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं, 190 मेंबर्स, 189 थे जब लास्ट, इससे पहले जब मैंने क्लास ली थी उस समय 189, अभी एक नया मेंबर ऐड हुआ है एंडोरा,
इससे पहले जो 189th मेंबर था उसका नाउरू, एक छोटा सा आइलैंड नेशन। तो अभी एंडोरा ऐड हुआ, ये भी याद रखना प्रीलिम्स के लिए। लास्ट मेंबर एडेड इज एंडोरा, ये माइक्रो स्टेट सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा माइक्रो स्टेट है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। ये याद रखना, देखो यहाँ जिनेवा नहीं है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। ये प्रीलिम्स के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए आपके जेके एसएसबी इधर उधर के छोटे मोटे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन चेयरमैन है, कितने मेंबर है, हेडक्वार्टर कहाँ है। ये देखो कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है, ये नया मेंबर ऐड हुआ है, ये रैंड हो रहा है। ये देखो छोटा सा ये दिख रहा है आपको, माइक्रो स्टेट फ्रांस और स्पेन के बीच, ठीक है? ये माइक्रो स्टेट ये दिख रहा है, छोटा सा व्हाइट कलर का, ठीक है? तो अब आईएमएफ के कितने मेंबर है? 190 मेंबर। इसका 189th मेंबर इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो क्या है आपका आइलैंड नेशन है, ठीक है? 189 ये कब ऐड हुआ है आपका? एंडोरा, एंडोरा आपका ऐड हुआ है अक्टूबर 16, 2020 लेटेस्ट ही है, अक्टूबर 16, 2020 190 मेंबर। तो अगर इसके 190 है, इसका मेंबर कोई आईएमएफ की मेंबरशिप लेता है कोई भी, तो उसको अपने आप किसकी मिल जाती है? डब्ल्यू इसकी, वर्ल्ड बैंक की। ट्विन है, ट्विन इंस्टीट्यूशन से, ट्विन ब्रेटन वुड्स, ठीक है? ये आपका एंड होगा। अब देखो आपको वो दिखाते हैं जो इसका 189th मेंबर होता है, ठीक है? अगर आप 189th मेंबर देखो तो ये रहा नाउरू, ठीक है? ये नाउरू है, माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, वहीं पे नाउरू। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे मार्शल आइलैंड्स, एक दिख रहा है यहाँ पे पलाऊ, ठीक है? अगर यहाँ देखो आप छोटे 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 आइलैंड नेशंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है? इसमें कमाल की बात क्या है, ये जो आपका मार्शल आइलैंड है ना, ये ओवरसीज टेरिटरी है यूएस की, यूएस कंट्रोल करता है उसको। तो क्या करता है यूएस, अपने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह है वो सारे कहाँ करता है? यहाँ पे मार्शल आइलैंड, ठीक है? तो मार्शल मतलब जो भी जिस तरह के, तो मार्शल आइलैंड ने क्या किया था, इन सब पे केस कर दिया था, जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज है जितने भी, ठीक है, उन सब पे केस कर दिया था मार्शल आइलैंड ने। तो ये न्यूज में रहा था मार्शल आइलैंड, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी के हिसाब से। पलाऊ क्यों न्यूज में रहा था? पलाऊ ने जो आपकी सनस्क्रीन आती है ना उसको बैन कर दिया, क्योंकि पलाऊ जो सारा पैसा कमाता है वो कमाता है टूरिज्म से, और यहाँ पे जो आपकी है सबसे जो इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो अगर आप जाओगे तो यहाँ के जो मतलब वाटर बॉडीज है कोई भी वाटर बॉडी है वो बहुत क्लियर है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपको जो सबसे ब्यूटीफुल कोरल रीफ है वो यही मिलेगी। तो ये जो सनस्क्रीन थी आपका, सनस्क्रीन जो होती है क्रीम, वो किसको हार्म कर रही थी? कोरल रीफ्स को, तो वहां पे बैन कर दिया गया था, ठीक है? अगर आपके पास मिलती है यूज करते हुए मिलते हो तो उस पर फाइन था और जेल टर्म भी, ठीक है? तो ये दो न्यूज में रहते हैं आपके, अभी भी रहते हैं, आते रहते हैं इनके बारे में, तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो थोड़ा सा आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, जो चीजें न्यूज में रहती है कम से कम उनकी तो लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। आपका नाउरू, मार्शल आइलैंड, इधर माइक्रोनेशिया, ये सब इधर है, इधर पोलिनेशिया आ गया आपका, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ग्रुप सही है, मेलेनेशिया, इधर इंडोनेशिया, हटा देते हैं इसको, ज्योग्राफी में पढ़ोगे ये सब चीजें।
अब आईएमएफ में सबसे इंपॉर्टेंट है आईएमएफ रिफॉर्म्स, ठीक है क्या? आईएमएफ को अभी तक, आईएमएफ मैंने आपको बोला ये आईएमएफ है, मान लो आईएमएफ में अलग अलग कंट्रीज का कोटा है, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ को उसका उतना ही कोटा है। और कोटा भी किस हिसाब से होता है? आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपकी इकोनॉमी कैसी है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि इंडिया आज बोले कि सबसे ज्यादा कोटा हमें दे दो, हम आपको सबसे ज्यादा वो दे देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं, आपका शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसके हिसाब से कोटा होता है, ठीक है। जो ज्यादा जिसका शेयर होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, या जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उस हिसाब से उसका शेयर ज्यादा होगा। तो आईएमएफ में अलग अलग कोटा होता है, जिसके पास जितना ज्यादा कोटा उसका उतना ही ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। जैसे आपकी सिक्योरिटी काउंसिल में तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है सबको वीटो पावर है, ठीक है, बराबर। लेकिन यहाँ पे बराबर, यहाँ पे जिसको जितना ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। जैसे आपके दो बैंक भी है ना, एक ब्रिक्स बैंक है, हमने पढ़ा भी था शायद, ब्रिक्स और दूसरा एआईआई। ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज है उनको इक्वल वोटिंग पावर है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ठीक है। ये 5 कंट्रीज का है अपने जो ब्रिक्स वाले नेशन है। एआईआई भी, अच्छा ये हम करंट में पढ़ते, शायद इसमें भी पढ़ा होगा। एआईआई भी जो है उसमें आपका क्या है, उसमें सिर्फ आपका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसका सबसे ज्यादा वोटिंग पावर, जैसे चाइना। अभी पढ़ा पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आपका वोटिंग पावर इस तरीके से होती है। तो जो आपका आईएमएफ है उसमें वोटिंग पावर किस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आईएमएफ में क्या है, कोटा होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, समझ गए बात को। तो इस हिसाब से कोटा होता है। तो जो कोटा है उसमें ज्यादातर कोटा कौन सी कंट्रीज का है, डेवलप्ड का। सेवेंटी से ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के पास कोटा है। तो अगर कोई भी रिफॉर्म लाना है तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और डेवलप्ड कंट्रीज कभी नहीं चाहती कि कोई रिफॉर्म उनके अगेंस्ट जाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे। तो क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज ने रिफॉर्म्स की डिमांड की आईएमएफ कोटा में, कि भाई जैसे इंडिया है, इंडिया का पहले इकोनॉमी का साइज भी छोटा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इतने नहीं थे। अब तो इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी बन के उभरा है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़े, उसके इकोनॉमी भी उसकी काफी ग्रो करी है। तो इंडिया ने बोला कि हमारा कोटा जो बड़ा हो गई। कोटा बढ़ने से क्या फायदा होता है, एक तो आपकी वोटिंग पावर बढ़ जाती है, दूसरा आपको आईएमएफ से लोन लेने में आसानी होती है, कोटा का ये फायदा है, ठीक है। जितना ज्यादा कोटा होगा उतना ही उसका कुछ पार्ट लोन आप ले सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट, ठीक है। तो कोटा आपका बढ़ाने की डिमांड करी इंडिया ने, इंडिया के अलावा बाकी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी करी डिमांड। और डिमांड कब प्रपोज की गई, 2010, ठीक है। चांसेस नहीं थे कि अप्रूव होंगी, लेकिन आईएमएफ ने इनको अप्रूव कर दिया दिसंबर 2015, फाइनली अप्रूव हो गया। इसके पीछे किसका हाथ था अप्रूव करने के पीछे, ओबामा, यूएस ने सपोर्ट किया कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, और यूएस अगर सपोर्ट नहीं करता तो नहीं होते रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स क्या है देख लेते हैं। पहला है, दो रिफॉर्म इन्होंने किए डिमांड, दोनों देख लेते हैं। तो पहला रिफॉर्म है आपका डेवलपिंग कंट्रीज के शेयर को बढ़ाने के लिए कोटा, ठीक है, इंक्रीज द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन आईएमएफ कोटा, ठीक है, ये आईएमएफ कोटा होता है यहाँ पे। तो रिफॉर्म के बाद आप देखो तो यूएस का रिफॉर्म के बाद भी ज्यादा ही रहा, यूएस के पास 17.6 हो रहे, इतना जापान के पास, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, चाइना के पास इतना है, देखो इकोनॉमी और उसके हिसाब से। इंडिया का अब 8th नंबर है रिफॉर्म के बाद, रिफॉर्म के बाद इंडिया का कितना हो गया 2.76%,
जबकि पहले इंडिया का कितना था, 11th नंबर पे था इंडिया, 2.44%। तो इंडिया का कितना बढ़ गया, 2.44% से 2.76%। ये भी याद नहीं रखना आपको, आपको याद क्या रखना है कि इंडिया का कोटा बढ़ा है आफ्टर रिफॉर्म। ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा होशियार मत बनना कि भाई मैं तो वैल्यूज लिख के आऊंगा या लिख के आऊंगा, नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहला रिफॉर्म किससे रिलेटेड था, कोटा रिफॉर्म, शेयर ऑफ कोटा, और उसमें इंडिया का बढ़ गया है। ठीक है, पहले कम था अब बढ़ गया, कितना है कितना नहीं है कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है कि मैं तो याद करूंगा ही, मेरा तो नींद नहीं आएगी, तो ये वाला वर्ड, ये वाला याद रखते हैं ना कि अभी एट सब्जेक्ट कितना है, 2.76%, 100% में से 2.76% किसका है इंडिया का। ठीक है, 8th नंबर पे, नहीं पूछेगा कोई प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में लिखने के लिए आपके पास यह पॉइंट होना चाहिए कि इंडिया का पहले के मुकाबले अब पड़ा। ठीक है, इस रिफॉर्म को अप्रूव होने के लिए 70% वोट्स की जरूरत थी, फेवर में। अब आप देखो यूएस कितना कंट्रोल कर रहा है, 17.5 तो यूएस कर रहा है, जापान कर रहा है। ठीक है, तो 23-24 तो इन दो के पास ही है, और भी डेवलप्ड कंट्रीज के पास था कोटा। तो 70% से ज्यादा के लिए आपको इसको तो कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा यूएस को। तो फाइनली यूएस ने सपोर्ट किया और ये रिफॉर्म्स आपके अप्रूव हो गए। ठीक है, यूएस के सपोर्ट से। ठीक है, आफ्टर एन इंक्रीज इन कोटा ऑफ इंडिया इट विल हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन आईएमएफ इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। ज्यादा कोटा ज्यादा पावर, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो कोटा इसलिए बढ़ाने की हम बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है, हटा देते हैं इसको। तो पहला रिफॉर्म आपको याद रखना है, ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं किसका कितना है। बताने को तो मैं सारा 100% आपको बता देता किसका कितना है, लेकिन नहीं जरूरत है। ठीक है, जो चीज की जरूरत नहीं है वो याद नहीं रखनी, दिमाग को ज्यादा लोड नहीं देना, पढ़ना उतना ही है जो आपको पेपर में लिखना है। पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में, पढ़ो उतना ही जितना आपको पेपर में काम है। दूसरे डायरेक्टर्स को लेके था, पहले क्या था आपके जो, जैसे इसमें आपका जो टॉप 5 कंट्रीज है, टॉप 5 कोटा होल्डर्स, टॉप 5 जो कोटा शेयर होल्डर्स थी, ठीक है, उनको डायरेक्ट आप क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसके, जिनमें से 5 को आप जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उनमें से नॉमिनेट कर देते थे। लेकिन ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो रूल क्या कहता है कि सारे इलेक्टेड होने चाहिए, आप इनको फेवर क्यों कर रहे हो लार्जेस्ट कोटा शेयर होल्डर्स को, गलत बात है ना ये तो। एक तो ऑलरेडी उनके पास कोटा ज्यादा है और फिर आप उनको फेवर कर रहे हो, तो ये सिस्टम हटाना चाहिए था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने क्या डिमांड करी कि सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड कोई नहीं होना चाहिए, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इलेक्टेड। दूसरा किससे था, रिलेटेड विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन 2010 इट वॉज प्रपोज दैट ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इलेक्टेड एंड नॉट एनीवन शुड बी नॉमिनेटेड, as was the practice of nominating 5 board of directors from the largest quota shareholders of IMF. पहले ये था प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस के खिलाफ इन्होंने बोला कि सारे क्या होने चाहिए, आपके इलेक्टेड होने चाहिए। तो 85% वोट चाहिए थे इसके लिए, पहले वाले के लिए कितने चाहिए थे, 70%। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कितने वोट चाहिए थे। फालतू की इंफॉर्मेशन याद नहीं रखना, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई वोटिंग करवानी थी उसके लिए, कितने वोट चाहिए थे कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी अब पता है तो मैंने स्लाइड्स में लिख दिया, लेकिन स्लाइड्स में हर चीज लिखने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज याद रखें। सो 80 वो क्या है कि थोड़ा पढ़ने में मजा आता है थोड़ा, कि हाँ भाई एक एग्जैक्ट फिगर मिली है। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता कि वोटिंग वॉज नीडेड एंड, ठीक है, तो वो लंबा जोड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। तो 85% वर नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस रिफॉर्म, और दिसंबर में ये भी इम्प्लीमेंट हो गया। तो दो रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो गए, पहला कोटा से रिलेटेड और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे, इलेक्टेड, कोई भी आपका नॉमिनेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो रिफॉर्म, ये देखो पहले वाली आईएमएफ के चेयरमैन क्रिस्टिन लगार्डे और ये आपके ओबामा, ठीक है। इन्होंने कभी ये बात बोली थी इन्होंने कि सूरज पश्चिम से उग सकता है एक बार, ठीक है, लेकिन आईएमएफ में रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। तो ओबामा रिफॉर्म करके इनको बोल रहे, देखो अब बताओ सूरज पश्चिम से होगा तो पूरब से होगा, कि हमने करवा दिया रिफॉर्म, तो यही बातचीत चलती है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ये तो ऐसे फोटो इसलिए दिए, इन्होंने बोला था क्रिस्टिन लगार्डे कि बहुत डिफिकल्ट है रिफॉर्म करना, मुश्किल, बोला जिस दिन रिफॉर्म्स हो गए मैं पहले डांस करूंगा, ठीक है। तो अब शायद ये यही बोल रहे कि अब करके दिखाओ डांस, ठीक है। ये आपका दो रिफॉर्म्स आपके डिफिकल्ट थे, बट ओबामा जो था ओबामा के टाइम पे ये रिफॉर्म आपके हो गए, ठीक है। देखो कितनी बड़ी पोस्ट पे होके भी देखो फाइल कैसे पकड़ी हुई, मोर पावर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिफॉर्म और हुआ, ठीक है, जब आप भी आईएएस बन जाओगे तो आपको खाने का पहनने का कुछ ध्यान नहीं रहेगा, इतना काम रहता है, बहुत काम रहता है। मतलब आईएएस को हर डिपार्टमेंट का हेड बनाया होता है, हर मीटिंग में दिन भर तो मीटिंग में बिजी रहता है, ठीक है, तो बहुत काम रहता है। तो आप ये मत सोचो कि आईएएस बन के आराम की नौकरी करोगे, आईपीएस बन के नहीं, वहां तो बहुत, अगर आराम की नौकरी करनी है तो आईआरएस होती है, ठीक है, रेवेन्यू। आईएएस आईपीएस पावर जरूर है, लेकिन वो पावर का यूज आपके घर वाले करेंगे, आप नहीं कर पाओगे। एक बार रिफॉर्म हुआ आईएमएफ में, वो क्या हुआ, इंक्लूजन ऑफ चाइनीज करेंसी इन एचडीआर बास्केट। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, इस रिफॉर्म से पहले एचडीआर क्या था, वेटेड एवरेज ऑफ फोर करेंसी, चार करेंसी का वेटेड एवरेज था, डॉलर पाउंड यूरो एंड येन। डॉलर आपको पता ही है किस देश की करेंसी है, पाउंड भी पता है, यूरो भी पता है और येन भी पता है। इस रिफॉर्म के बाद एचडीआर अब पांच करेंसी का वेटेड एवरेज हो गया है, कौन कौन सी, डॉलर पाउंड यूरो येन एंड युआन। ये रेनमिनबी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ की करेंसी, तो वो रेनमिनबी पूछता है, वो कभी भी आपको युआन नहीं देता है, वो रेनमिनबी पूछता है, तो युआन को ही रेनमिनबी कहते हैं, ठीक है। युआन एचडीआर बास्केट में कब ऐड हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ, October 1st, 2000, that you have to remember, ठीक है। तो ये तीन reforms हुए आपके, ये तीसरा तो ऐसे ही है, main तो दो ही है। अब कैसे calculate करते हैं HDR, देखो अगर आप इसको देखो, ठीक है, जैसे मान लो इसको भी अभी भूल जाओ, ठीक है, ये येन है, ये पाउंड है, ये यूरो है, ये डॉलर है, ये यूरो, इन सब वैल्यूज का भी आप पूछ लो। पहले येन का कुछ वेट होता होगा, ठीक है, मान लो एक्स वेट होता था और आपका पाउंड का वाई होता था और इसका जेड होता था और इसका पी होता था, ठीक है, ये वेट होता था। लेकिन जैसे ही आपकी युआन इंक्लूड हुई, अब आप युआन को कुछ वेट दोगे तो इन्हीं में से कुछ वेट कम होगा, सबका थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप यहां देख पा रहे हो तो पहले जो वेट था बाद में उसका वेट कम हो गया, यहाँ पे जो वेट था उसका वेट कम हो गया, इसका भी वेट कम हो गया, इसका भी वेट कम हो गया, और जो वेट इनका कम हुआ वो किसको साइन हुआ है, युआन। तो पहले सिर्फ चार करेंसी का वेट था, कुछ भी था, एक्स वाई जेड पी, अब पांच करेंसी का वेट हो गया, ए बी सी डी ई। अब क्या करोगे आप, एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करोगे। देखो ये आपके काम का नहीं है पेपर के, ये आपके पेपर में कोई नहीं पूछेगा, ये प्रीवियस स्लाइड देख लो,
पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, लेकिन आप इसको समझो बात को, कैसे कैलकुलेट करते हो, तो कैसे कैलकुलेट करते होंगे कि आपकी 5 करेंसी है, दो मिनट में समझाता हूँ, ये पेपर में नहीं पूछेगा कोई। और नहीं इंक्लूड हो गए युआन, अब क्या होगा, पहले इनका वेट रहा होगा एक्स वाई जेड, इसका पी, और ये तो पहले थी नहीं, तो इसका पहले जीरो था 2016 से पहले, फिर 2016 में नई करेंसी ऐड हो गई है, तो इनका वेट में कुछ फर्क आया होगा, कम ही होगा वेट, तो ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और इसको ई वेट दे दिया। अब यहाँ पे क्या करो, ये डॉट, अच्छा यहाँ पे भी ये लिख दिया था, डॉलर है पहला पे, डॉलर यहाँ पे भी ये लिख दिया, अब ये तो वेट आ गया, दिस इज वेट, दिस इज योर वेट। अब आप क्या करो, एक्सचेंज रेट करो, जैसे डॉलर में सबको कन्वर्ट करना है, तो डॉलर यहां पे आप एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करो। अब डॉलर तो डॉलर के बराबर, डॉलर वन डॉलर तो वन डॉलर के बराबर ही होगा, अब आप इसको पाउंड को कन्वर्ट करो, मान लो आपका एक पाउंड, वन पाउंड इज इक्वल टू, मान लो आपका एक्स वाई जेड पी हो गया और ए बी सी डी, मान लो एफ डॉलर, ये पाउंड हो गया आपका, अब आप यूरो को कन्वर्ट करो, 1 यूरो मान लो आपका वो आपका जी डॉलर के बराबर है, एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे रुपी को कन्वर्ट करते हैं ना, 70 रुपए के बदले 1 डॉलर मिलता है, और ये ना आपने कन्वर्ट किया, तो 1 येन आपका मान लो हो गया एच डॉलर, और फिर आपने युआन को कन्वर्ट किया, तो 1 युआन आपका हो गया मान लो आई डॉलर, अब ये आपने एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर दिया, ये एक्सचेंज रेट है, ये वेट है, नया वाला वेट। अब क्या करो, यहाँ टोटल वेट कितना होगा इसका, 100 ही होगा, सबको ऐड करोगे तो 100 आएगा। अब आप क्या करो, वेट को और एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करो, यानी ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ए तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू 1 प्लस ये बी किससे मल्टीप्लाई होगा, एफ से, बी इंटू एफ, ये वैल्यूज है, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती है, प्लस सी किससे होगा, जी से, प्लस डी वेट है ना, ये डी किससे होगा, एच से, और आपका ई किससे मल्टीप्लाई होगा, आई से, ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, इन सबको ऐड करो, ठीक है, इन सबको ऐड करने के मान, ऐड करने के बाद मान लो आपके पास आ गया एम, या ऐड करने के बाद मान लो एस आ गया, सम एस, सबको ऐड किया एस आ गया, उस एस को किससे डिवाइड करोगे, टोटल वेट से, 100 से, और मान लो वो किसके इक्वल आया, वो आया मान लो सब डॉलर में, ये सारे डॉलर में कन्वर्ट किए ना हमने, मान लो वो आया आपका 1.4, तो डॉलर में ही आएगा, तो ये जो वेटेड एवरेज आया ये होता है एचडीआर, तो एचडीआर कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दीज करेंसीज, तो वो कितना आया आपके पास, 1.4, तो ये एचडीआर चेंज होता रहता है, क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि इनकी करेंसी का एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, इसलिए इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। वेटेड एवरेज क्यों है, क्योंकि जिस हिसाब से करेंसी का वेट है उस हिसाब से आपने उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके निकाला, और ये अगर नॉर्मल एवरेज होता तो इन सबको ऐड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, वेटेड एवरेज में आप पहले वेट देखो, फिर एक्सचेंज रेट में सबको डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डॉलर है मेन करेंसी आपकी, तो डॉलर में सबको कन्वर्ट करना है, फिर उससे वेटेड एवरेज निकालोगे, वो आपको एचडीआर देगा, तो एचडीआर इस तरीके से निकाला जाता है, तो एचडीआर आपका क्या है, वेटेड एवरेज, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे निकालते हैं,
लेकिन अब आपको दिया हुआ है तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, हटा देते हैं इसको, उसी स्लाइड पे चलते हैं वापिस से। आप यहाँ पे क्या करोगे, ये पहले वाला वेट तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको तो हटा दो। मैंने नए वेट और नए एक्सचेंज रेट कुछ नहीं डाला, क्यों? क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब ये आपका नया वेट आ गया, अब आज की डेट में सबका वेट ये टोटल। अब इससे काम है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया वाले। अब इसको किससे, इन सबको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, येन को डॉलर में कन्वर्ट कर दो, जो भी डॉलर आएगा इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर दो, इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर दो, डॉलर तो एक डॉलर, और इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर दो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 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 सबको ऐड करो और 100 का डिवाइड लगा दो, फिर टोटल वेट कितना है 100। आपको एसडीआर मिल जाए। तो कहने का मतलब ये, अगर मेरे पास एसडीआर है तो एक एसडीआर के बाद जितना वो डॉलर के बराबर है उतना मुझे डॉलर मिल सकता है, इसलिए इसे पेपर गोल्ड कहते हैं। पहले क्या होता था, गोल्ड के बदले डॉलर मिलता था, अब एसडीआर है तो उसके बदले आपको उतना डॉलर मिल जाएगा। तो एसडीआर क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ फाइव करेंसीज, याद रखना। इन फाइव करेंसीज का वेटेड एवरेज है, इन फाइव करेंसीज का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो एसडीआर बास्केट में कौन सी फाइव करेंसीज आती है, ये पांचों करेंसी आती है, और एसडीआर क्या है, एसडीआर इनका वेटेड एवरेज है फाइव करेंसीज का, ठीक है। तो पेपर के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं मना कर रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा, ये कैलकुलेशंस हमारे किसी काम के। पहली बात तो मुझे आपको पढ़ाने भी नहीं चाहिए थी, लेकिन चलो आप पढ़ा दी स्लाइड है तो, अदरवाइज ये हमारे किसी काम के नहीं, ठीक है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नो स्टडी नो कंफ्यूजन पे हम जा नहीं सकते, नौकरी चाहिए। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन पे हम जा नहीं सकते, टाइम लिमिटेड है, तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, मतलब हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क भी उसके साथ करो। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, IMF इज कंप्लीट, ठीक है। लास्ट आपका ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मोटो याद रखना, एक तो कई बार पूछ लेता है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये सॉफ्ट लोन्स देता है किसके लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, किसको देता है, डेवलपिंग कंट्रीज को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, डेविड मालपास, चेयरमैन याद रखना है, ठीक है, पेपर के लिए। इसके भी 190 मेंबर्स है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में। सीधी सी बात है, जहाँ IMF का होगा दोनों ट्विन है, जहाँ IMF का होगा वही आपका वर्ल्ड बैंक का भी होगा। जितने मेंबर, जो इसकी मेंबरशिप लेता है, इसकी लेता है उसको इसकी डायरेक्ट मिल जाती है, और लेटेस्ट मेंबर दोनों में एंडोरा ऐड हुआ है, माइक्रो स्टेट बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो वर्ल्ड बैंक अकेला, एक वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है, इसके फाइव ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड बैंक इज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ फाइव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, द कलेक्टिव नेम गिवन टू फर्स्ट लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दो को दिया जाता है। कौन कौन सा, IBRD, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्या बना था, IBRD, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। ये पांच पार्ट है इसके, IBRD, IDA, IFSC, MIGA एंड लास्ट इज ICSID। आज का आपका होमवर्क ये, आपको इन पांचों के बारे में पढ़ना है, सिंपल है, पढ़ाने को मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये आपका होमवर्क, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड बनाई थी, वो निकाल देगा कि आप करोगे इसको, ठीक है। तो आज का काम दो दो लाइन के फंक्शन से, आज का काम आपका ये है कि इनके सबके दो दो लाइन में आपको फंक्शन याद रखना है, दिस इज योर होमवर्क, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, इन सबके आपको फंक्शन याद करना पड़ेगा। मेंस में कोई नहीं पूछेगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, किसी को अगर ज्यादा आलस हो तो छोड़ भी देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पांच पार्ट होते हैं इसके।
कई बार पेपर में पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रीलिम्स में, ठीक है, बहुत रेयरली पूछता है लेकिन पूछ लेता है। तो ये इन पांचों के फंक्शंस आपने लिखने, दो दो लाइन में, ये आज आपका काम है। कोई नहीं समझ आए तो कल क्लास में मुझसे पूछो। अब क्या है मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स क्यों पिक्चर में है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आया है आपका पिक्चर में। तो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्लाइड आप घर पे पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ मसाला बॉन्ड्स के बारे में। मसाला बॉन्ड्स होते हैं रूपी डिनोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड, ठीक है, ये आपके इंडिया से बाहर इशू किए जाएंगे ओवरसीज, ठीक है। मतलब जैसे मुझे यूके में करने हैं, यूएस में करने हैं, तो मसाला बॉन्ड्स, ये मसाला बॉन्ड कहां से आया, इंडिया से, और ये आपको इशू करने में हेल्प कौन करता है, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब भी किसी को पैसा बाहर से रेज करना है लोन, तो आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बाहर इशू कर सकते हो, उनको हम मसाला बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। बाकी ये स्लाइड आपको डिटेल में घर जाके पढ़नी, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क। जो काम की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों मसाला बॉन्ड्स पिक्चर, मसाला बॉन्ड्स आपसे क्वेश्चन वो यही पूछता है कि मसाला बॉन्ड्स होते क्या है, तो रुपी डिनोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड्स होते हैं। मेंस में नहीं पूछेगा कभी भी क्वेश्चन। मैंने आपको ये स्लाइड क्यों लाया है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में ये आया आपका, कौन आया पिक्चर में, आईएफसी हेल्प करता है इंडियन कंपनीज को कि भाई आपके मसाला बॉन्ड्स बाहर की कंट्री में इश्यूज करके और आपको पैसा लाने में हेल्प करता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को अगर आप प्रमोट करोगे तो बैंक्स पे लोड कम पड़ेगा, तो विद इन कंट्री तो आप सारा पैसा रेज कर नहीं सकते, तो इसलिए बाहर की कंट्री में जब मसाला बॉन्ड्स रेज किए जाते हैं, मतलब कि मसाला बॉन्ड्स क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, मतलब इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं जो बाहर बेचे जाते हैं और वहां से फिर पैसा लाया जाता है। दीज थ्री लाइन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर बिल्डिंग्स। ये बाकी की तो चलो मैंने डिटेल में आपके लिए लिखा है, लेकिन ये नहीं भी पढ़ोगे डजंट मैटर। मसाला बॉन्ड से प्रीलिम्स से पूछ चुका है क्वेश्चन, मसाला बॉन्ड से यूपीएससी पूछ चुके, सिंपल क्वेश्चन पूछा था। जो आपको अगर इतना पता है कि मसाला बॉन्ड्स ओवरसीज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं और आईएफसी इशू करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये लाइन उसने लिखी थी पेपर, वर्ल्ड बैंक आया है, तो ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन इशू करता है मसाला बॉन्ड्स को, हेल्प कौन करता है इशू करने में। तो अगर आप देखो, फर्स्ट मसाला बॉन्ड वॉज इश्यूड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन 2013, समझ गए बात को आप, आईएफसी हेल्प करता है, आईएफसी किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का, तो इंडियन कंपनीज को यह हेल्प करता है उनके बॉन्ड्स को इश्यू करने में बाहर, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है नहीं कि कैसे करता है। दूसरा क्या है, चाइना में भी ऐसे बॉन्ड्स होते हैं इसी तरीके, दी एनालॉगस बॉन्ड्स, उनको कहते हैं डिमशू, ठीक है, डिमशम, आपने वो भी देखा होगा, कुछ आता है खाने का भी आता है, ठीक है, और जापान के कहलाते हैं समुराई बॉन्ड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, डिमशम एंड समुराई बॉन्ड्स, समझ गए। तो जापान में होते हैं समुराई बॉन्ड्स, चाइना में होते हैं डिमशम बॉन्ड्स, और इंडिया में होते हैं वही मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया मैक्सिमम 750 मिलियन डॉलर तक मसाला, मतलब इसके थ्रू ला सकता है मसाला बॉन्ड्स के थ्रू, बाहर से मसाला बॉन्ड्स के थ्रू ला सकता है इतना, मैक्सिमम कितना ला सकता है, 750 मिलियन डॉलर। अब ये 750 मिलियन डॉलर ही क्यों ला सकता है, ज्यादा क्यों नहीं ला सकता, कम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ज्यादा क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है दैट इज नॉट 100% इन केस ऑफ इंडिया, ये 100% नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने दो पार्ट पढ़े थे, अगर आपको थोड़ा धुंधला धुंधला याद हो घर जाके पढ़ा होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक करंट और एक कैपिटल,
आपको ध्यान हो तो करंट में क्या आता था वो आपको पता ही है, ठीक है, करंट में विजिबल, ठीक है, दूसरा आपका इनविजिबल, इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआई, लोन और फॉरेन करेंसी, यही सब। अब अगर आप देखो तो यहाँ कौन सा पैसा, लोन वाला पैसा, क्या आप इससे कुछ एसेट्स क्रिएट कर रहे हो? नहीं कर भी रहे हो, लेकिन चांसेस यही है कि लोन वाला पैसा है तो इसमें ज्यादा एसेट्स क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जो भी पैसा कमा रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज बेच के कमा रहे हो, मतलब यहाँ पे उधारी का पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें 100% कन्वर्टिबिलिटी है। हंड्रेड परसेंट कन्वर्टिबिलिटी है, यानी करंट अकाउंट में आपको 100% कन्वर्टिबिलिटी, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया के केस में 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। क्यों? आप 10 कार बनाओ, आप 50 कार बनाओ, आप 100 कार बनाओ, आप 10,000 कार बनाओ, आप पे कोई रोक नहीं है, आप बेचो उनको, एक कंट्री में नहीं तो दूसरे में बेचो, तीसरे में बेचो, क्योंकि आप कुछ चीज बना के पैसा लेके आ रहे हो, तो वो तो आप जितना प्रमोट करोगे उतना ही बेटर है। यहाँ पे भी आप सर्विसेज के थ्रू ला रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोन का पैसा ला रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दूं, यानी आप जितना चाहो उतना लोन ले सको, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन का अमाउंट अडॉप्शन आप बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या ये अच्छा है कंट्री के लिए? नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे एसेट्स आप उसके बदले गुड्स एंड सर्विस थोड़ी ना प्रोड्यूस कर रहे हो, ये तो उधारी का पैसा है, तो ज्यादा उधारी होगी तो एक दिन देश डूब जाना है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% नहीं रखा है। दिस इज द ओनली थिंग। 100% रखने का तो मतलब ये हो जाता कि विजय माल्या को अगर 200 मिलियन डॉलर चाहिए तो वो 200 मिलियन डॉलर ला पाता, नहीं, हमने क्या लिमिट्स कर दी कि एक बिजनेसमैन इससे ज्यादा लोन नहीं ला सकता, इस सेक्टर में इतना लोन लेगा, इस सेक्टर में इतना लोन लेगा, जैसे पीएसएल में किया हुआ है सेट, या पे इस तरीके से किया हुआ, क्यों? इसलिए तो हमने एफडीआई की भी आप देखो तो लिमिट हर जगह सेट कर रखे थे कि 49% से ज्यादा इसमें नहीं आ सकता, 74% से ज्यादा इसमें नहीं आ सकता। इसका कारण यही है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, वहां पे आप उधारी का पैसा ला रहे हो, इसलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमारे यहाँ पे 100% नहीं है। और इसको लेके आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अगली जो आएगी क्लास उसमें यही पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही कि हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज नॉट 100%, इसलिए आप देखोगे यहाँ लिमिट होती है हर लोन पे, जब भी आप पढ़ोगे तो देयर इज सम लिमिट। तो मसाला बॉन्ड्स क्लियर, ठीक है, पेपर के लिए। सेकंड इज महाराजा बॉन्ड्स, किसी का भाई है महाराजा बॉन्ड, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, मसाला बॉन्ड आपके इंडिया में, इंडिया के थे रुपी डिनोमिनेटेड थे, लेकिन आप उसको बेच कर रहे थे अदर कंट्रीज में, और वहां से आप पैसा लेके आ रहे थे। मसाला बॉन्ड्स ओवरसीज बॉन्ड है, ओवरसीज टेरिटरीज में बिक रहे हैं। अगर मैं ऐसे बॉन्ड्स हो जो आपके रुपए डिनोमिनेटेड तो है लेकिन वो बिक कर रहे हो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे बाकी बॉन्ड्स इशू करती है अलग अलग कंपनी, रिलायंस इशू करती है किसी भी कंपनी ने और इंडिया में ही बेचा, तो उसके लिए तो उसको वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं, वो तो खुद से बेच सकती है। तो उसका जो इंडिया में, जैसे मान लो मैंने खरीदा किसी रिलायंस का बॉन्ड खरीदा या किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, तो इनका टेन्योर क्या होता है, 5 से 10 साल के। तो महाराजा बॉन्ड्स कौन से होते हैं, विद इन कंट्री, तो जब विद इन कंट्री आपको लोन रेज करते हो, आप मनी रेज करते हो तो महाराजा बॉन्ड्स के थ्रू करते हो, और जब कंट्री के बाहर करते हो तो मसाला बॉन्ड्स के थ्रू करते हो, अगर रुपए डिनोमिनेटेड। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फॉर योर प्रिलिम्स, ठीक है, वो दोनों लिख के देगा, अगर देगा तो दोनों लिख के देगा और दोनों में फिर डिफरेंस पूछे, दोनों को देख उनके स्टेटमेंट लिख के फिर आपसे क्वेश्चन पूछे। तो ये आपके महाराजा बॉन्ड्स। फिर ओपेक है, ठीक है, ओपेक मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ओपेक आगे डिस्कशन में आएगा, तो मैंने उसके लिए स्लाइड बना दी है, वो आपका काम था पढ़ने का ओपेक को, लेकिन इस स्लाइड को आप पढ़ना, ठीक है, पहले 14 थे इसमें मेंबर कंट्रीज,
अब इक्वाडोर निकल गया इससे, तो अब 13 मेंबर कंट्री रह गए। ठीक है, कब बना था? 1960 में बना था, ठीक है, बगदाद एग्रीमेंट के थ्रू, बगदाद। ठीक है, पांच कंट्रीज ने मिलकर बनाया था इसको, इराक, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। या आप घर जाके पढ़ना स्लाइड को आराम से, इसमें काम की चीज क्या डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, हम आगे चलते हैं। हाँ, काम की चीज ये है कि ओपेक के अलावा एक और ग्रुप है, ओपेक प्लस। ठीक है, ओपेक प्लस, इसमें आपका जो आपके ओपेक के 13 मेंबर कंट्रीज है उनके अलावा जो बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो किसमें आती है? ओपेक प्लस में आती है। तो आपको ये वैसे उसका पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, लेकिन ओपेक और ओपेक प्लस के आपको मेंबर कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल हमेशा आपका न्यूज में रहता है। तो कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है वो देख लेते हैं, वैसे आपको ये घर जाके देख लेते स्लाइड, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। नॉन ओपेक में कितने आते हैं आपके? 10 कंट्रीज आते हैं, इनका नाम याद रखना है। ओपेक प्लस जो है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 आपके ओपेक प्लस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका रशिया है, के बाकी तो छोड़ो आप, रशिया के पास बहुत ऑयल रिजर्व्स है, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा रशिया के पास है। तो जब भी सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई होती है तो हमेशा रशिया को प्रॉब्लम होती है, तो रशिया क्या करता है फिर इन दोनों को बिठा के इनकी मीटिंग करवाता है, और क्योंकि उसका नुकसान है ना तो उसको इनकी मीटिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको ओपेक प्लस के नाम याद रखने, ठीक है, ये मेरा काम नहीं था आपको पढ़ाना है, दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन ओपेक की बात हुई है तो ओपेक प्लस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आप घर पढ़ना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिल्डिंग्स। ठीक है ना, घर पढ़ना एक बार, क्या होती है, कहाँ है, क्या हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ लेता कितने मेंबर है। ये देखो, ये वाली स्लाइड देखो, ये आपके 14 मेंबर कंट्रीज है पहले, अब इनमें से कौन सा निकल गया? इक्वाडोर निकल गया। तो अब आपके क्या रह गए? आपके 30। लेकिन इसमें सबसे काम की बात यह है कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है? देख लो, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। ठीक है, लेकिन वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स होने के बाद भी वेनेजुएला आपका एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑयल रिजर्व्स तो है लेकिन निकालने के लिए पैसा नहीं है। फिर दूसरी बात क्या, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बहुत करप्ट गवर्नमेंट है वहां। इसलिए वेनेजुएला में यूएस का इतना इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ दीज ऑयल रिजर्व्स। आपसे अगर कोई पूछता ओपेक में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे वेनेजुएला के, क्योंकि वेनेजुएला का भी वो रहता ही नहीं है कि भाई वेनेजुएला इतना वो कोई प्रॉस्पेरस कंट्री नहीं। तो वेनेजुएला के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। सेकंड नंबर पे कौन है? सऊदी अरेबिया। थर्ड पे कौन है? ईरान। तो वेनेजुएला पिक्चर से निकल गया, अब पिक्चर में कौन आ गया? सऊदी अरेबिया और ईरान। अब ये दोनों लड़ते रहते हैं, और आप अगर सऊदी अरेबिया के पास देखो तो सऊदी अरेबिया के पास जस्ट डबल है ईरान से रिजर्व्स, तो फिर वो क्यों फायदा देगा किसी को? वो तो अपना ऑयल सप्लाई को कम अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से बढ़ाता है, ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो है उसके पास ऑयल रिजर्व सेकंड नंबर पे, और वो है तो बहुत ज्यादा, ईरान से तो डबल है। वेनेजुएला के पास सबसे कम है लेकिन उसको वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। अगर आप यहाँ देखो तो ओपेक के कितने हैं, ये देखो अराउंड 80% के पास ओपेक के पास है, 80%, और बाकी 20% किसके पास है? बाकी नॉन ओपेक कंट्रीज के पास, और उसमें भी सबसे इंपोर्टेंट कौन है? रशिया। रशिया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहले कतर भी था इसमें, कतर निकल गया। तो ओपेक में ऐसा ही है, ओपेक का मतलब क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसमें से जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो कभी ऐड होती रहती है, कभी वो उसमें से माइनस होती रहती है। तो जब भी आप पेपर देने जाओगे मेंस का, प्रीलिम्स का या मेंस का, तो वहां पे आप एक बार पढ़ के जरूर जाना कि एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था देयर वर 14 मेंबर्स, बट इक्वाडोर ने अभी रिसेंटली यहाँ से विड्रॉ कर लिया, तो नाउ देयर आर 13 मेंबर्स। हो सकता है थोड़े दिनों बाद इक्वाडोर वापस से आ जाए इसमें, ठीक है। आपस में लड़ाइयां होती है, इनके बीच में पंगे होते हैं, तो उसके बाद निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसमें ये दादागिरी चला है सऊदी अरेबिया, किसी को पसंद नहीं आई, वो निकल गया, इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है। तो अभी इक्वाडोर निकल गया है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना 13 मेंबर कंट्री, ठीक है। ये आपने खुद पढ़ना था, लेकिन अब मैंने ये आपको पढ़ा दिया, तो एक बार इसको घर जाके और देखते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या है? आपको बार बार आप सोचते हो ना कि भाई इंडिया में पेट्रोल इतना सस्ता है, डीजल इतना सस्ता है, कि पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता चल रहा है मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में। आप बार बार गवर्नमेंट को गाली देते हो कि इतना महंगा कर दिया, क्रूड ऑयल तो सस्ता है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जितना हमसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ले रहे हैं उससे तो सस्ता ही है। तो जब क्रूड ऑयल आपका सस्ता आ रहा है तो पेट्रोल डीजल भी आपके सस्ते मिलने चाहिए, लेकिन पेट्रोल डीजल आपको 100 रुपए लीटर, ठीक है, 100 पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उस पर ड्यूटी लगी हुई है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा। एक्साइज ड्यूटी कौन लगा रहा है? सेंटर भी ले रहा है और स्टेट भी ले रहा है, ठीक है। तो सेंटर इतनी ड्यूटी लेके कर क्या रहा है? चलो स्टेट के पास तो पैसा नहीं है, वो तो उस पैसे से यूज करके अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगा, डेवलपमेंट के काम करेगा। स्टेट क्या कर रहा है इतने एक्साइज ड्यूटी लेके? नहीं लेनी चाहिए उसको, ठीक है। ये सेंटर क्या कर रहा है भाई? क्रूड ऑयल जब भी सस्ता हुआ है, देखो क्रूड ऑयल कितना ही सस्ता हुआ हो, 2016-15 के आसपास तो बहुत सस्ता हो गया था, ठीक है, सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई की वजह से। क्रूड ऑयल कितना ही सस्ता हो जाए, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं गिर रहे, आप अगर गवर्नमेंट में होते और मैं आपसे बोलता कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, क्या आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करते? आपको क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल कम प्राइस पे बिकना चाहिए या फिर ज्यादा पे? थोड़ा सा कितने लोगों को लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है, पेट्रोल डीजल महंगा कर रखा है, वो अच्छा है या बुरा है? कितने लोगों को लगता है अच्छा है? कितने लोगों को लगता है कि ठीक है? यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि ठीक है ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं, ये ठीक है? रोहिणी के हिसाब से नो, ठीक है, एट दिस पॉइंट नो, ठीक है। और कोई यस वाला है? यस एंड वाई यस? नहीं, टैक्स वाली बात नहीं है, टैक्स तो और कहीं से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों लगाया हुआ है? सैस लगा देंगे इधर उधर का। व्हाई? मतलब इफ यस देन व्हाई? कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अगर ठीक है, हाई है, कोई दिक्कत नहीं, देखो पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हाई है थोड़े से, उसको सपोर्ट कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे। देखो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन भी तो आता है सिस्टम में, इन्फ्लेशन तो आता ही है, तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल सस्ता हुआ और मैंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम कर दिए, तो प्रॉब्लम क्या होगी? लोग ज्यादा इसको कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगा इसका, तो क्या होगा उससे? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि उसका
जो एनवायरमेंटल कॉस्ट होगा दैट इज वेरी हाई पॉल्यूशन. पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाई होंगे तो आप क्या करोगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे, आप बहुत सोच समझ के अपनी गाड़ी चलाओगे, कार पूलिंग करोगे. ठीक है, पहले डीजल पे सब्सिडी दी जाती थी, डीजल सस्ता था तो किसान जनरेटर में भी डीजल डाल रहा है, हर जगह डीजल डाल रहा है, लाइट आ रही है तो भी डीजल यूज कर रहा है क्योंकि डीजल ज्यादा सस्ता पड़ रहा है. तो पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन, लोग डीजल की गाड़ियां ज्यादा खरीदते थे माइलेज के चक्कर में, लेकिन आपको पता है डीजल कितना पॉल्यूशन करता है. तो पहला तो यह है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अगर थोड़े हाई है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम कर देंगे तो सबसे दिक्कत है क्या, एनवायरमेंटल कॉस्ट. ठीक है, अब आप कहोगे कि गरीब आदमी, यार गरीब आदमी ना तो गाड़ी रखता है, गरीब आदमी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है. ठीक है, गाड़ी जो रखेगा वो ज्यादातर क्या है, जो थोड़ा बहुत मतलब कमाता उमाता होगा वो रखेगा गाड़ी, और अगर किसी ने रखी भी होगी तो अगर पेट्रोल डीजल बढ़े तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो. जैसे मैं हूं, मैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हो या ज्यादा हो आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सेकेंड थिंग, फर्स्ट तो हो गई क्या एनवायरमेंटल कॉस्ट. ठीक है, सेकंड, फिर अगर आप बोलो कि नहीं मुझे तो मतलब नहीं है एनवायरमेंट से, मुझे तो सस्ता चाहिए पेट्रोल डीजल, तो ये जो पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, या जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए तो गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम क्यों नहीं किए, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा पैसा आया उससे एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल खरीदा और उसके रिजर्व्स बनाए, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. समझे आप बात को, जब क्रूड ऑयल सस्ता था, जब भी सस्ता होता है गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम नहीं करती है, 1-2 रुपए कम करती है, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उससे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए. स्ट्रेटेजिक का तो मतलब आपको समझ में आता ही है, कल को मान लो इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए और सारे मिडिल ईस्ट वाले, ठीक है, वो पाक के सपोर्ट में आ जाए, हमें तेल देना बंद कर दे, चलो हम घर इंडिया में, चलो मान लो ट्रेवल नहीं करेंगे, घर पे बैठ जाएंगे कोरोना, लेकिन आर्मी को तो आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, वो कहां से लाओगे फिर. दूसरी बात, कुछ ऑयल रिजर्व्स कहां पे बनाए गए हैं, जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज है उनके पास. कल को नक्सलिज्म बहुत बढ़ गया, माना कि टैंक ही चलाना पड़ रहा है, उन्होंने कट ऑफ कर दिया पूरा, तो वहां पे आसपास होना चाहिए ना पेट्रोल डीजल की सप्लाई, जिनको यूज करके टैंक में भर के, या मिलिट्री या आर्मी के जो भी है पैरा मिलिट्री वाले यूज करके अपनी गाड़ी वाड़ी लेके अंदर जा सके, टैंक वगैरह का यूज कर सके. मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जितना भी पेट्रोल डीजल आपका महंगा था उसमें से जो पैसा आता था गवर्नमेंट के पास उससे एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल खरीद के हमने क्या है, अंडरग्राउंड उसको स्टोर करके रखा है. रॉक कैवर्न सुना है आपने, रॉक कैवर्न, रॉक कैवर्न होता है, बड़ी बड़ी चट्टाने होती है उनके नीचे स्टोरेज बनाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रॉक कैवर्न्स में अगर आप स्टोर करके रखोगे ना तो उड़ेगा नहीं. बेस्ट जो आपके लिए स्टोरेज होती है वो होती है रॉक कैवर्न्स की. किसी भी तरीके का आप हाइड्रोकार्बन यहाँ पे स्टोर करके रखो वो इवेपोरेट नहीं करेगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन काफी कम होगा. तो इसलिए हमने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए हुए हैं. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने भाई सारा पेट्रोल डीजल का पैसा आपका अपने ऊपर खर्च कर दिया, ये लोग बर्बाद करते, नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए गए. ठीक है जी, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है, वॉइस प्रॉब्लम डिस्टॉर्ट कहां से हो रही है, नाउ इज इट क्लियर. ठीक है, वापस समझा देते हैं, इसको समझो.
इसको हटाते हैं वापस से। जो आपका क्रूड ऑयल, देखो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए, बहुत कम हो गए थे, ठीक है, बीच में तो बहुत ही कम हो गए थे 2016 के आसपास, जब सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, अब वो इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो बोलना, अभी तो नहीं हो रही ना डिस्टॉर्ट। नाउ एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियर? हाँ ठीक। सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हुए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्या किया, क्यों कम होते जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम यूएस ने ईरान पे से सैंक्शन हटा लिए थे, आपको पता हो तो बीच में न्यूक्लियर डील वगैरह हुई थी, तो यूएस ने ईरान पे से सैंक्शन हटा लिए थे। ठीक है, आगे डिस्कस करूंगा इस चीज को, अभी समझो। अब ईरान पे सैंक्शन हटा लिए तो अब सऊदी अरेबिया को लगा कि ईरान तो भाई अपना तेल बेचेगा, तो उसको फायदा होगा, लेकिन ये इसका फायदा चाहता नहीं था, तो इसने क्या किया, उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम चल रहे थे, तो इसने सऊदी अरेबिया ने अपना प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, इसके पास तो बहुत तेल है, वो वाली बात है ना कि मैं तो बर्बाद होऊंगा लेकिन पहले तुझे बर्बाद करूंगा, तो अब इसने ऑयल का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया, तो ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए, अब ईरान बेच के भी क्या ही कमा देगा, उधर रशिया को भी नुकसान होने लगा। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने कम हुए तब भी इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम नहीं हुए, ना अभी कम हो गए, वो कम क्यों नहीं हो रहे, दो कारण है, पहला तो एनवायरमेंटल कॉस्ट कि भाई ज्यादा अगर आपने कम कर दिया तो लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया, कुछ प्लेसेस पे हमने स्टोर करके रखा है, कहाँ पे, अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड भी हम कहाँ रखते हैं, रॉक कैवर्न्स, बड़ी बड़ी चट्टाने उनके नीचे, पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने, वो देखी होंगी अली बाबा 40 चोर, खुलजा सिंह सिंह, ठीक है, वहां पे उसने खजाना रखा हुआ था, ऐसे हमने भी रॉक कैवर्न्स के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है ऑयल को, और हाइड्रोकार्बन स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है रॉक कैवर्न्स, क्योंकि यहाँ पे स्टोर करके रखोगे का आपका जो क्रूड ऑयल है वो उड़ेगा नहीं, सनलाइट से जो थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होता है वो नहीं होगा, तो रॉक कैवर्न्स बेस्ट सोर्स है, तो इसलिए हमने आपके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए, पहले 5 जगह बनाए थे, अब एक छठी जगह और बना रहे, ठीक है, ओके, तो ये है आपका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। तो आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ, आपने ये पढ़ना है अभी घर जाके, समझना, समझा मैंने दिया है, ये चांदी कोल ओडिशा में, बीकानेर राजस्थान में, ठीक है, रॉक कैवर्न्स में स्टोर किया जाता है, फिर ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये बीच में न्यूज में था, ठीक है, ये अपने इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ये करंट में था न्यूज में, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, स्लाइड वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कल समझा दूंगा जो समझ नहीं आएगा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स आपने घर जाके पढ़ना है, ठीक है, स्लाइड में भेज दूंगा, नहीं है तो नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है, आप समझ आ जाएगा आपको, इसमें कोई समझाने वाली कोई चीज नहीं, समझा दिया मैंने, WTI आपको पढ़ना है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है, ठीक है, ऑयल भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल भी अलग अलग ग्रेड का होता है, ये एक बार पढ़ना क्या होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपने घर से पढ़ना है, ये मैंने स्लाइड भेज दी थी, मैं कल डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, लेकिन एक बार पढ़ के आना, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आपने खुद से पढ़ना है, इसमें सारे वही पॉइंट है जो मैंने आपको बाली समिट में एक्सप्लेन किया है, ये आपके स्लाइड्स में नहीं है तो मैं आपको भेज दूँ, शायद स्लाइड्स में है आपके, हाँ ये है जो मैंने आपको भेजी थी टेलीग्राम पे, उसमें है, ये आपने खुद से पढ़ना है, कोई डाउट हो आप कल पूछ सकते हो, ठीक है, 2001 में, ये देखो सारा वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, नामा से रिलेटेड, ठीक है, दोहा राउंड आपने पढ़ना है, फिर आप देखोगे तो GI वगैरह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर ये आपका बाली आ गया 2013 वाला, वही TFA वगैरह की बात की गई है, फिर ये आपका नेहरू भी वही रिपीट हुआ है, उसी चीज को समराइज करके लिखा हुआ है, फिर ये आपका ब्यूनोस वाला, ये 250 ATMs, कभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्राउन लेबल ATMs क्या होते हैं, व्हाइट लेबल ATMs क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए स्लाइड बना दी है, आप पढ़ना कौन से ATM किस तरीके के होते हैं, यू कैन गेट वन क्वेश्चन इन पढ़ ले, ठीक है,
तो अलग अलग तरीके के एटीएम्स होते हैं कि बैंक के अंदर लगा हुआ है, प्रीमाइसेस में बाहर लगा हुआ है, बैंक कंट्रोल करता है या कोई एनबीएफसी कंट्रोल करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स एटीएम्स। तो एटीएम्स आपने देखने, ब्राउन लेबल क्या होते हैं, व्हाइट लेबल क्या होते हैं, और ये भी अलग अलग तरीके के, ग्रीन लेबल ठीक है, ऑरेंज लेबल, येलो लेबल, पिंक लेबल, ठीक है, ये सब आपने देखना है। ठीक है, तो कल ये आप देख के आओगे, बाकी का जो पार्ट, थर्ड पार्ट जो रह गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो कल हम डिस्कस करेंगे, और कल शायद ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर जीडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यू कैन आस्क। हाँ सेस तो लगाते ही हैं हम, सेस तो, लेकिन किसी पर्टिकुलर उसके लिए ना, स्लाइड्स वापस से देख लो, सेस भाई किसी पर्टिकुलर उसके लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, सारी स्लाइड्स वापस से देख लो, ये तो आपको भेज ही चुका हूं, ये शायद नहीं गई है आपके पास। सो आईएमएफ, हाँ ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की तो आपने स्लाइड, मैं आज भेज भी दूंगा आपको ये, फिर भी आप देख लो, यूनोस ईयर्स में आपके पास है स्लाइड्स, ये सेकंड फर्स्ट स्लाइड ये थी, दिस इज योर सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड, दिस इज योर थर्ड स्लाइड। जब मैं लिखूं ना उस समय जरूर लिया करो उसका स्क्रीनशॉट, वो आपको बाद में समझने में हेल्प करेगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस पढ़ना, अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ कंसेप्ट आपके क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये न्यूज में था लास्ट ईयर, अभी भी बीच में न्यूज में था, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स में, क्योंकि यूपीएससी एक साल पुराना पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन, एट्थ, ठीक है, दीज आर आंसर्स। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड उनके एक्सप्लेनेशन से, मतलब आंसर क्या एक्सप्लेनेशन से, थर्ड, फोर्थ का नहीं दिया, फोर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी आप डिस्कस कर चुके हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, फिर आईएमएफ फर्स्ट स्लाइड, आईएमएफ सेकंड स्लाइड, लोकेशन ऑफ एंडोरा, आईएमएफ थर्ड स्लाइड, नाउरू के बारे में, मार्शल के बारे में, पलाऊ के बारे में, आईएमएफ फोर्थ स्लाइड रिगार्डिंग कोटा रिफॉर्म्स, नेक्स्ट स्लाइड इंक्रीजिंग द शेयर, नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटेड, नेक्स्ट, ठीक है, ये तो इतना काम का नहीं, यहाँ कुछ बातचीत चल रही है, देन मिम्बी, इसकी जरूरत नहीं है, ले तो इसकी जरूरत, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। देन वर्ल्ड बैंक, मोटो, ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, कितने मेंबर है, देन सेकंड स्लाइड, ये पांचों के बारे में आपने पढ़ना है, अच्छा कि दो दो लाइन, दो दो लाइन से ज्यादा नहीं, देन मसाला बॉन्ड्स फर्स्ट स्लाइड, देन मसाला बॉन्ड सेकंड स्लाइड, मसाला बॉन्ड में जितना मैंने बताया पेपर के लिए उतने की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं, देन महाराजा बॉन्ड्स, महाराजा बॉन्ड्स में तीन लाइन में काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, तीन लाइन हमें पता होनी चाहिए बस, देन ओपेक, कितने मेंबर है, कब बना था, हेडक्वार्टर का इम्पोर्टेंट है, देन ओपेक प्लस के मेंबर्स इम्पोर्टेंट है, यो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपने घर से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, आती रहती है, ऑयल क्राइसिस को लेके रिलेटेड है ये आपका ओपेक का, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देन यू हैव स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स फर्स्ट स्लाइड, देन सेकंड स्लाइड, देन WTI बैक्स टेक्सास इंटरमीडिएट, इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ नेगेटिव ऑयल प्राइसिंग, देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम फर्स्ट स्लाइड, ये आपको मैं भेज चुका हूँ, जो आपको भेजी है मैंने उसमें ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपीआई, रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग यूपीआई। अब आपको यूपीआई समझ आ जाएगा, क्यों समझ आ जाएगा, क्योंकि हम बजट पढ़ चुके, हम फिस्कल डेफिसिट पढ़ चुके, हम स्कीम्स के बारे में पढ़ चुके, हम लीकेज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको अब समझ आएगा, एक बार पढ़ना इसको कर जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ बात की है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर ग्लोबल एग्जांपल्स, फिनलैंड देता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड देता है, स्विट्जरलैंड ने भी शुरू किया था लेकिन वहां के वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं चाहिए अभी। ठीक है, फिर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा स्लाइड्स हैं आपके पास, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखो नामा एग्रीकल्चर, वही बात है। ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे दोहा तो बाली पढ़ लिया तो उससे आपको आइडिया लग गया। नेक्स्ट स्लाइड, फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर एक बार रीडिंग लगा लेना, जीआई वगैरह में पढ़ा चुका हूँ। ये बाली वाले पॉइंट, ठीक है, फिर ये आपके नैरोबी वाले, फिर ये आपका ब्यूनस एयर्स वाला, फिर टाइप्स ऑफ एटीएम्स आपने पढ़ने, ठीक है, प्रीलिम्स स्केल में पूछा जा सकता है, या बैंक बैंक का पेपर लिख रहे हो आप, ठीक है, छोटा मोटा कोई पेपर लिख रहे हो तो वहाँ पे एटीएम्स पूछ लेते हैं, या आप कभी पढ़ते हो तो वहाँ पे आ गया ब्राउन लेबल व्हाइट लेबल, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ऑन साइड ऑफ साइड क्या होता है, पिंक लेबल क्या होता है, तो ये है आपकी सारी स्लाइड शो। ठीक है, इसको कोई डाउट हो यू कैन आस्क। आज के लिए इतना ही बात।